मर्द चाहे किसी भी किस्म का हो, हमेशा जो है दुखदाई होता है और इसकी हम निंदा करते हैं। साथ में जिस तरह से सबके साथ छेड़छाड़ हुआ वो भी बहुत निंदनीय है, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। जहां तक इस घटना को एक राजनीतिक रूप देना है, ये भी गलत है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अपना जो कार्रवाई करना था FIR दर्ज किया, अरेस्ट भी किया आरोपियों को, और इन्वेस्टिगेशन पूरा चला हुआ है। विपक्ष ने कहीं भी ये नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन में देरी हुई है, FIR में देरी हुई, इस बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब केवल ये जो है उस ब्रूटेलिटी को लेकर जो है इसको लेकर आगे जो है एक रंग जो है धार्मिक और पॉलिटिकल देने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाकई निंदनीय है। हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके में अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करना शुरू करोगे तो यहाँ पर जो है एक अलग से जो है एक यूपी बिहार के तरह जो है आप वातावरण पैदा करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और जयराम जी भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर जयराम जी हिमाचल के हितैषी हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन में, अगर उनके पास कोई भी सूचना है उसको दें और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें, ताकि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त जो है सजा दे सके, उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। अब जयराम जी आज जिद कर रहे हैं कि मैं भी चंबा में गाँव में जाऊंगा। आज तक जयराम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने दिन जब सभी लोग वहां पर आपके विपक्ष के साथी वहां पहुंच चुके, हमारे पक्ष के जो हमारे पूर्व के मंत्री वहां पहुंच चुके, सबके जाने के बाद आपको रात रात क्या जरूरत पड़ गई कि वहां जाने की जरूरत है? और आज ऐसे दिन जबकि वहां पर आरोपी के घर को जलाया गया, जो एक किस्म से बिल्कुल कानूनन गलत है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, ना कोई ले सकता है, और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और जब वहां पर इस किस्म का एक टेंशन वहां क्रिएट हो गया आगजनी के बाद, तो वहां प्रशासन ने ठीक किया कि वहां दफा 144 जो है एक किस्म से वहां पर शांति बनाए रखने के लिए किया गया है। तो वो ऐसे समय में जाके आप वहां शांति जो एक भंग होने का अंदेशा है उसमें आप अगर 144 को मतलब जबरदस्ती करके कहेंगे कि मैंने वहां जाना है तो ये भी गलत है, और एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये जो है लोगों में ये है कि ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये एक संबंध के बारे में जो वहाँ ज्यादा लोग बता रहे हैं उस कारण ये घटना घटी है। वह घटना चाहे जो भी है, मर्डर नहीं, मर्डर जो है निंदनीय है। वाले या जो हमारे विपक्ष के नेता है, ये मोटिव के बारे कहाँ बोल रहे, तो कह रहे हैं कि इतने जो है ब्रूटल हुआ है, फलाना हुआ है, और हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं इसको? आप अगर सच्चे मतलब हितैषी हैं हिमाचल के, तो आपको हिमाचल के लोगों को, चाहे इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको साथ लेके चलने की बात है। घटना किसी भी समुदाय के साथ हो वो निंदनीय है, और उसके लिए कानून है, और कानून को सहायता देकर उसको जो है कठोर से कठोर सजा हमें देनी चाहिए, ताकि आने वालों के लिए एक उदाहरण बने। उसके बजाय हम उल्टा जो है इन्वेस्टिगेशन में खलल लाने जा रहे हैं, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके के हित में कतई नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।